हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विसु रैंडम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमआई रेडमी एक्जियोमी के बैक पैनल, बैक कवर, बैक ग्लास के बारे में बताया है। अगर आपके फ़ोन का बैक पैनल क्रैक हो जाता है या टूट जाता है या डैमेज हो जाता है या स्क्रैच हो जाता है तो आप उसको किस तरह चेंज कर सकते हो बाय करके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से सब मॉडल के बारे में बताया है, किस तरह आप बैक पैनल को पहचान कर सकते हो एकदम मटेरियल कलर में। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है मार्केट में या ऑनलाइन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत कम आती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही यूज़ में लेने चाहिए, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, मटेरियल कलर में हो। क्योंकि ओरिजिनल जैसा आता है अपने मटेरियल कलर में आता है, वैसा ही आपको अपने फ़ोन में वापस लगाना हो तो आपको मटेरियल कलर वाला ही यूज में लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, कुछ ओल्ड मॉडल के अंदर बैक पैनल मटेरियल नहीं आते थे, लेकिन आजकल सब मॉडलों में बैक पैनल मटेरियल कलर में आने लग गए हैं। तो फ्रेंड, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हमें बैक पैनल, बैक ग्लास अगर हमारा डैमेज हो जाता है तो हम बाय करना चाहें तो कैसे करें और कैसी क्वालिटी का कैसे पता चले कि किस तरह की क्वालिटी है। तो फ्रेंड, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये अच्छी क्वालिटी वाला बैक पैनल है। और फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। और फ्रेंड, साथ ही अगर आपको एमआई के किसी भी मॉडल का बैक पैनल अगर परचेज करना है या बाई करना है तो आप परचेज कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड, साथ ही लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियो मोबाइल से रिलेटेड में लाता रहता हूँ। और फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने सभी मॉडल्स के बारे में आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया है। We'll be right back.
कैसा लगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा।